हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो हम निकल लिए, थंबनेल आपने देख लिया होगा, उदयपुर के लिए निकले यहाँ से। अभी टाइम हो रहा है 2:03 और अपन निकले अभी उदयपुर के लिए। थोड़ा सा लेट है क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे तो नहीं निकल पाए। दोस्त लोग आ गए थे साथ के, टीचर स्टाफ वाले, तो उस वजह से नहीं निकल पाए थे। लेकिन अभी निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। और उदयपुर का शाम का व्यू मोस्टली जो मैं चाहता था कि शाम को पिछोला और जो FSI फतेह सागर लेक है उसका व्यू बहुत शानदार आता बताया। जग मंदिर और जो वहाँ के होटल्स वगैरह हैं, अच्छा व्यू आता बताया वहाँ का शाम का। तो उसको देखेंगे अपन आज। 2 यहाँ से जा ही रहे हैं तो करीब 45 किलोमीटर है, तो लगभग 1 घंटा वहाँ पहुँचने में लग जाएगा, 1 घंटा से थोड़ा बहुत कम। तो वहाँ जाके पहुँचेंगे और देखेंगे। और देखो अपनी क्या नाम है अपना चेतक, कितनी गंदी हो रही है। देखो बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देखो कितनी गंदी हो रखी है ये। बहुत टाइम हो गया मैंने इसको वॉश नहीं किया है। ये मथुरावासी लिखवा रखा है मैंने, क्योंकि इतनी दूर घर से रह रहे हैं तो थोड़ा सा फील तो आता है। कितनी गंदी हो रखी है ये देखो, है ना। इसको अब ऐसा करेंगे कल या परसों वॉश करवाएंगे अच्छे तरीके से। ये देखो, ये थारा भाई जोगिंदर हो गया रेडी और अपन भी रेडी अभी प्रॉपर तरीके से। फिलहाल में निकल रहे हैं अपन यहाँ से और पहुँचते हैं तो बताते हैं आपको कैसा है आज का अपना ये ब्लॉग, आप बताना कमेंट बॉक्स में जा करके। फिलहाल तो अपन निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। चले भाई जोगिंदर चले, नहाया नहीं आज, ऐसे लग रहा है। भाई साहब लगभग आधे रास्ते पे पहुँचे अभी अपन, यहाँ से करीब 15-16 किलोमीटर और दूर है उदयपुर। तो उम्मीद है आपको वीडियो अभी आपने जो देखी होगी, अंडरपास है ना जिससे निकल के आए अपन, मेरे को सेम ऐसा लगा जो अपना रोहतांग पास है ना, अटल टनल जिसको बोलते हैं, बिल्कुल डिटो आपको ऐसा लगा वो मेरे को, तो बहुत अच्छा था। और इधर आपको एक व्यू दिखा देता हूँ, देखो कितना प्यारा है, यहाँ बहुत शानदार पहाड़ियाँ हैं। वो बात है कि मतलब इतनी ग्रीनरी अभी नहीं रही है जितनी बरसात के टाइम पर होती है, थोड़ी सी कम है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अभी उदयपुर पहुंच के और देखते हैं, अभी शाम का टाइम हो गया है, जैसा मैं चाह रहा था हो सकता है वैसा ही मिले मेरे को, जो शाम का जो टाइम का जो व्यू मैं लेना चाहता था पिछोला लेक का, जग मंदिर जो वहाँ से दिखाई देता है और बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं जो बहुत शानदार लगता है, बनारस की तरह एकदम ऐसा ही लगता है। तो ये पहली बार जा रहा है उधर उदयपुर, मैं सेकेंड थर्ड टाइम जा रहा हूँ। तो चलो अभी आगे और है थोड़ा सा रास्ता बाकी, फिर घूमते हैं आज उदयपुर में। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं उदयपुर। ये उदयपुर का पता नहीं कौन सा सर्कल है। अभी यहाँ से जाऊँगा मैं पहले सहेलियों की बाड़ी, क्योंकि दिन है और टाइम है, मैं घूम लूँगा सहेलियों की बाड़ी और लेक के पास चलेंगे अपन, थोड़ी सी और शाम हो जाएगी तब, क्योंकि वहाँ शाम का व्यू बहुत अच्छा आता बताया। और ये देखो ये है उदयपुर और इसका एक दो वीडियो और मैं आपको इस वीडियो में ऐड कर दूंगा। लेकिन आपको एक बताता हूँ, लोग बोलते हैं कि उदयपुर अच्छा शहर है, वास्तव में बहुत अच्छा शहर है, राजस्थान में सबसे अच्छा सिटी बताते हैं सफाई के मामले में, मतलब बहुत ज़्यादा सफाई है उधर वास्तव में अभी। लेकिन हमको तो प्यार जयपुर से ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो वर्तमान, अपना जयपुर जयपुर ही है। उदयपुर भी बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, अल्टीमेट है उदयपुर भी, बट अपना जयपुर रियली में जयपुर ही है उदयपुर। और आगे चल के देखते हैं, और यहाँ सफाई तो वास्तव में है, जयपुर से भी ज़्यादा सफाई है, अच्छी सफाई है, लेकिन आई लव जयपुर। तो फाइनली बात यह है कि मैं तो जयपुर से ही मोहब्बत करूँगा साहब, उदयपुर भी बहुत अच्छा है। चलो और चलते हैं आगे थोड़ा सा और देखते हैं। मित्रों फाइनली पहुँच तो गए अपन ये इधर सहेलियों की बाड़ी, घूमते घुमाते भूलते भटकते इधर। तो देखते हैं अभी अंदर कैसा है क्या है ये सहेलियों की बाड़ी, दिखाता हूँ आपको एक बैक कैमरे से व्यू अच्छा। ये देखो भीड़ भाड़ भी है इधर काफ़ी सी, और उस थोड़ी सी भीड़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपन आ गए हैं दोनों नमूने, एक यारा और एक के हाथ में फ़ोन है। अच्छा लग रहा है वैसे तो, इतनी भीड़ भी नहीं है, कम ही है। एक चीज़ में ज़रूर मेरे को ये जयपुर से थोड़ा सा ठीक लगा, क्राउड देखो कितने निशान बन गए, टोपी पहनने सब पे निशान बन गए, मतलब क्राउड में ज़रूर ये है कि जयपुर में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ से जयपुर से इधर कम है, जयपुर में ज़्यादा होता है। तो चलो अभी टिकट वगैरह लेते हैं और चलते हैं अंदर। आदि फाले मतलब
ये टिकट को आधा फाड़ लिया टिकट को। टिकट ज़्यादा मतलब इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, 20 रुपये का नॉर्मल सा टिकट है इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले लिया। क्योंकि अपन खर्चा ज़्यादा नहीं करते, कम वाला करते हैं, मतलब फ्री फोकट फर्स्ट क्लास। इधर कहाँ जा रहे हैं तो वो है वॉशरूम वगैरह, इधर कहाँ जा रहे हैं हद है। ये है इधर सहेली की, सहेलियों की बाड़ी का मेन गेट, इसका फ्रंट गेट जो है। और इधर तितलियाँ वगैरह बनी हुई बहुत शानदार, मतलब कतई जहर वाला मज़ा आने वाला लग रहा है मेरे को अंदर, अंदर भी बहुत सारा मतलब अच्छा व्यू मेरे को लग रहा है, देखने को मिलेगा। इधर ये फूल वगैरह है, ये देखो नज़दीक से। वास्तव में मेरा कैमरा फ्रंट कैमरा ज़्यादा अच्छा है बैक कैमरे से, है ना। ये देखो इसको ना, जहाँ देखता है ना वहीं पढ़ने लग जाता है। इसको पता क्या दिखाई दे रहा है, इसका ये नोटिस बोर्ड पढ़ रहा है, क्योंकि इसका एग्जाम है पक्का पक्का, पता है कि नहीं एक क्वेश्चन मेबार से फंस ही जाना है, मतलब कुछ क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे। मतलब अपन ने पता है कौन सी जगह गए थे, उधर राजसमंद में, राजसमंद लेक पर गए, और कुंभलगढ़ वगैरह है, और इधर हमारी कौन सी बनास नदी वगैरह जा रही है। अभी नंदसमंद डैम जाना बाकी है, वो नाथद्वारा में ही है, पास में ही है। तो जहाँ जाता है ये पढ़ने लग जाता है, क्योंकि रीट का एग्जाम है, कहीं ना कहीं से छप ही जाएगा एक ना एक, ना छपी जाएगा। हाँ तो चलो अंदर, ये टिकट रख और मैं भी पढ़ लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ और आपको भी पढ़ा देता हूँ। ये देखो, ये है सहेलियों की बाड़ी, हिंदी में पढ़ लेना भाई साहब, इंग्लिश इज नॉट कम टू मी, आराम से पढ़ लेना आप जी। पढ़ लिया हो तो अपन चलते हैं अभी अंदर, बहुत अच्छा है, शानदार है। ये देखो इधर एंट्री करने के बाद में इधर मेन गेट के सामने मिलते हैं आपको बहुत सारे गमले, और गमले में लगे हुए बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से फूल। ये देखो हेलो, देखो ऐसा अंदर है इसके, ये म्यूजियम SERT ने शायद बनाया है इसको, और अंदर फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है ना वीडियो की है, तो मैं देख सकता हूँ आप नहीं देख सकते। अब आपको इसको देखने के लिए यहीं पे आना पड़ेगा, तो आइएगा और मैं अंदर जाके आपको बता दूंगा यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर मेरे को अच्छा लगा, कुछ लगा मेरे को कि हाँ यहाँ वास्तव में कुछ अच्छी चीज़ तो होगी ही, क्योंकि ये उदयपुर है और यहाँ सारी की सारी चीज़ें अच्छी ही मिलती हैं। तो ये SERT ने बनवाया है ये, और इसके अंदर जाके देख के आते हैं अपन कि क्या है, कैसा सीन है इसका, कैसा अच्छा है बेकार है, अच्छा ही होगा मोस्ट आपको बता दूँ, जहाँ तक है मेरा अनुमान है। कि यहाँ उदयपुर में मेरे को एक भी चीज़ अभी तक ऐसी नहीं मिली जिसको मैं ये बोलूँ कि यार यहाँ किसी को नहीं आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ आना चाहिए। और अपन जाके देखते हैं क्या भाई चल रहा है अंदर, बिल्कुल चले चलो। हाँ जी, तो अभी अपन अंदर जाके आए, तो वास्तव में आने लायक चीज़ है वो, आपको मतलब लिटरली बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा कि यहाँ आया हूँ मैं तो अच्छी चीज़ बताऊँ इसको या फिर ऐसा कुछ नहीं है। इधर वास्तव में आने लायक ही चीज़ है। और उधर है क्या चीज़ वो आपको बता दूँ, उधर है जो फेमस जो अपने ड्राइंग करने वाले होते हैं ना, उनकी जैसे राजा राम मोहन और विष्णु कुमार जी, तो उनकी पेंटिंग्स उधर रखी हुई हैं। अभी आ गया हूँ मैं इधर रासलीला जो इधर है, इसका नाम जगह का नाम, इधर आ गया हूँ। तो वो अंदर वास्तव में बहुत अच्छी थी, उसमें क्या है ड्राइंग्स वगैरह रखी हुई थी। और उधर परमिशन किस लिए नहीं थी मैंने पूछा भी था, उस लिए नहीं थी क्योंकि उसकी अगर फोटोग्राफी किसी के लग जाती है, फ़ोटोज़ वगैरह लग जाते हैं, तो उसकी जेरोक्स वगैरह करके तो कोई डाल दे, इसलिए तो उस वजह से वहाँ पे क्या है परमिशन नहीं थी उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी उसकी। तो वास्तव में वो अनलैक जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और उधर पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है नहीं पता मेरे को। हाँ, इन पेड़ों में पानी वगैरह चल रहा है, ये देखो कितना शानदार है भाई साहब, बहुत अच्छा है। बस इधर उदयपुर में मन ना लगे मेरा, क्योंकि जयपुर से प्यार करता हूँ मैं। बहुत अच्छी जगह है ये देखो, पानी वगैरह, पानी की कोई कमी नहीं है इधर उदयपुर में, तो कोई कमी नहीं है। लोग वहाँ सोचते हैं कि राजस्थान है भाई, राजस्थान में पानी नहीं होगा, उदयपुर में तो कोई कमी नहीं है भाई साहब पानी वगैरह की, बहुत अच्छी जगह है। अगर अपन भी क्या है थोड़ा सा रील्स वगैरह के लिए दो एक वीडियो बना लेते हैं। ये तो सोचता ही रहता है काला, देखो अब कमेंट बॉक्स में जाके बताना ये ज़्यादा काला है या मैं ज़्यादा काला हूँ। अरे ना भाई, नहीं है तो दोनों ही काड़े, एक थोड़ा सा सांवला हो जाएगा, एक ज्यादा काड़ा हो जाएगा, एक काला और एक सांवला। नहीं, एक भाई साहब जगह इतनी शानदार है, कतई जहर। इस भाई की मैंने रील्स बनाई है 2-3, और रील्स कतई ऐसी बनी होगी कतई जहर, मतलब देखना इसके इंस्टाग्राम पे जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वो। भाई साहब को कतई हीरो बना रखा है कसम से, कभी कोई पहचान ना सकता ये काड़ा ही है क्या, मैं भी काड़ा हूँ क्या, ये भी कोई पहचान ना सकता। पर ये एक गार्डन में अपन आ गए, ये भी बहुत अच्छा है भाई साहब, सहेलियों की बाड़ी नहीं है, सहेलियों की वास्तव में ये सहेलियों की बाड़ी है, बहुत अच्छी है। तो अभी थोड़ा सा और शायद कहीं बाकी होगा, ये घूमने को तो काफ़ी सारा घूम लिया, बाकी देखते हैं अभी और आगे क्या सीन है।
ये देखो भाई साहब, ये पुराने टाइम पे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था ये, तो उनके टाइम पे ये कोई बैठने वगैरह के लिए कोई जगह हुआ करती थी। तो इसको फिलहाल में क्या है, तालाबारा लगा रखा है इधर, तो उसी टाइम का बना हुआ ये बैठने के लिए, एकदम आराम से यहाँ से बैठ के देख रहे हैं। और सामने गार्डन वार्डन का व्यू आ रहा है बहुत अच्छा, तो उसके काम का ये था। हाँ जी भाई साहब, आपको ज्ञान देता हूँ भारी वाला। भारी वाला ज्ञान ये है, जिसको मैं बता रहा जलकुंभी या कमल है, ठीक है, जिसको मैं बता रहा ना ये जलकुंभी है, ये जलकुंभी नहीं है भैया, ये कमल है। और पहचान इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि भाई हमने कभी देखे नहीं कमल के कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। अपने तो वो पता ना सिंपल सा बंदा है भाई, गांव में रहा तो गांव में तो ये जलकुंभी ऐसे ही समझा करते थे अपन। और वहाँ उस पर लिखा था कि ये कमल तलाई है, कमल तलाई मतलब ये कमल है, कमल इसमें खिले नहीं, खिले भी होते तो भी पता चल जाता। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, गुस्सा की माफ़ करना, ये कमल के जो है ये कमल की जो क्यारियाँ हैं या फिर कुछ भी बोलो, कमल का ये कमल तलाई है तो जलकुंभी नहीं है भैया ये, इनको बोले मेरे को भाई साहब जलकुंभी तो ऐसी होती नहीं, मेरे गांव में तो देखा मैंने ऐसी होती लगभग, लेकिन ये कमल है। और एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, ये इधर पीछे की साइड में जो बालकनी है, इसमें से जो राजकुमारी थी वो आया करती थी, बैठा करती थी और इधर सामने देखा करती थी। और अंदर से वो चीज़ पता देखा क्या करती थी, क्योंकि इस गार्डन के चारों तरफ है ना जो दासियाँ होती थी वो घूमर किया करती थी इस पे, मतलब राउंड फिगर राउंड में ऐसे ऐसे करके घूमर किया करती थी और रानी ऊपर से देखा करती थी ये हमें, ठीक है मित्रा। अभी चल रहे हैं आगे, आगे चल रहे हैं आगे, इधर से आओ, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। भाई साहब एक चीज़ बताऊँ, हाथ में सेल्फी स्टिक हो तुम्हारे तो लोग आगे ना तुमको फोटोग्राफर ही समझते हैं, तीन लोग तुम्हारे को बोल चुके हैं भाई साहब फोटो ले दो हमारा। अब या तो मैं बहुत अच्छे फोटो लेता हूँ उनको ऐसा पता है, या फिर वो मेरे को यही समझते हैं कि अपन काम यही है अपना फोटोग्राफी करने का। तो इधर देखो गोरे लोग भी आते हैं, मतलब अंग्रेज भी आते हैं खूब सारे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको बताते हैं कि भाई ये चीज़ें इंग्लिश में बताते हैं और इंग्लिश इज़ नॉट कम टू मी। और इधर देखो कितना अंधेरा आया ना, ये देखो, तो इधर भी चलते हैं। ये है इधर सावन भादो, हाँ आपको एक चीज़ बता दूँ, ये देखो सावन भादो, सावन भादों का संबंध आपको तीन या चार जगह मिलता है, एक कोटा में, एक भरतपुर में और एक ये, ठीक है। अपने भरतपुर में सावन भादों का महल है और कोटा में सावन भादों का क्या है, नहर, नहर है ना, और कोटा में सावन भादो नहर है और ये इधर ये हाँ सावन भादों की मूर्तियाँ हैं सिरोही में और ये इधर गार्डन है इधर, तो चार जगह आपको मिल गया ये सावन भादों का। और आगे और चलते, ये है गुब्बारे के ऊपर चढ़कर फोटोग्राफी ना करें भाई साहब, ये देखो कितना प्यारा है ये, यो जोगिंदर, यो जोगिंदर, यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर। हाँ जी भाई साहब, बहुत घूम लिया अपन अभी सहेलियों की बाड़ी में, अब यहाँ से निकल रहे हैं अपन पिछोला और फतेह सागर के लिए। देखो कितनी सारी तेज तेज आपको आवाज़ आ रही होगी ना, ये पानी की आवाज़ आ रही है इधर से, यहाँ पीछे ना फुहारे वगैरह चल रहे हैं तो इसकी आवाज़ आ रही है। कितना अंधेरा भाई साहब, इधर ठंड इतनी लग रही है शानदार वाली। ये इधर सावन भादो लिखा हुआ है और ये इधर से अपन शायद एग्जिट के लिए रास्ता जा रहा है ये। तो ये सहेलियों की बाड़ी वाला बताना आपको ये कैसा लगा, ये जगह कैसी लगी आपको। मेरे को सच में बहुत शानदार लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। इससे क्या है, थोड़ा सा अपने को नॉलेज भी मिल गई क्या कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने ये बनवाया था, कब बनवाया था, 1734 के बीच में उन्होंने बनवाया था। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है जोगिंदर जी, अब चलते हैं अपन उसके बाहरी वाले गेट की तरफ आ चुके हैं अपन, जहाँ से हमने क्या है इंटर किया था। तो चलो निकलते हैं अभी यहाँ से और चलते हैं पिछोला लेक की तरफ, पिछोला और फतेह सागर लेक की तरफ। चलो भाई लोगों, अगर आप में से कोई अच्छा कैमरामैन हो ना, मुझे रिक्वायरमेंट है, ये बंदा काम का नहीं है, जो चीज़ फ़ोटो में होनी चाहिए वो लेता नहीं, इसके फ़ोटो लेता हूँ मैं एकदम कतई जहर वाले। मुझे रिक्वायरमेंट है एक अच्छे कैमरामैन की, अच्छा कैमरामैन हो जो ठीक ठाक हो, मतलब मेरे जैसा हो या मेरे से थोड़ा सा कम हो या थोड़ा ज़्यादा हो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास आ जाना भाई, रह लेना, इतना ही कर सकता हूँ मैं, सैलरी वगैरह तो दे नहीं सकता।
क्योंकि ये बंदा काम का नहीं है, मेरी जिंदगी में कलेश मचा के रखा है और एक ही चीज़ में कलेश मचाता है ये बस, और फोटो नहीं लेता यार साहब, क्योंकि मैं इसके फोटो नहीं वॉल पेपर लेता हूँ भाई साहब, फोटो नहीं लेता इसके मैं। अब ये देखो है ना, इनको पता नहीं तुम्हारे यहाँ पे क्या बोलते थे, हमारे यहाँ पे बचपन में छोटे छोटे से तो इसको बोलते थे गुड़िया के बाल, अब प्रेजेंट टाइम में नहीं पता मेरे को आप इसको क्या बोलते होंगे, क्या बोलते हैं इसको भाई गुड़िया, वो तो हम भी बोलते हैं और कुछ नाम होगा इसका पता नहीं कई नाम है, हम तो भाई इसको गुड़िया के बाल बोलते थे। और यहाँ देखो छोटे छोटे से घोड़े वगैरह हैं, बाकी इधर क्या है, अच्छा है ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लगा। अब अपन चलते हैं अभी अपनी बाइक के पास, निकालते हैं अपना चेतक और फिर चलते हैं अपन किधर 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 पिछला और फतेह सागर के पास, क्योंकि सुना है मैंने कि वहाँ का शाम का जो व्यू जो आता है वो अल्टीमेट ही आता है भाई, तगड़ा आता है। ओह चलो निकलते हैं अभी यहाँ से,